आज सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के कैरियर पर चर्चा होने जा रही है। कैसे ये अपने कैरियर को ग्रोथ के मार्ग पर अग्रसित करा पाएं, कैसे ये अपने सफलता के मुकाम पर पहुंच पाएं, अगले ढाई महीने में सिर्फ और सिर्फ इसी पर चर्चा होने जा रही है। हमने पूरे इस चार्ट में सिंह राशि और शनि का जिक्र किया है कि कैसे और किस युक्ति के माध्यम से हमको सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए थे और तब से लेकर के अभी भी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं और ये 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा कौन वक्री हो रहा है, हमारा काम, हमारा कैरियर वक्री हो रहा है, क्योंकि शनि को जोड़ा जाता है हमारे कर्म क्षेत्र से, हमारे कैरियर से। उस हिसाब से ये आपके सप्तम भाव पर प्रतिष्ठित है। अब इस हिसाब से अभी भी समय हमारे पास है, एक इंटरवेल का समय है जहां पर शनि आपको एक योजना बनाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, एक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई ये कार्य आप कर लीजिए, मैं बैठा हूँ आपके कैरियर को सक्षम बनाने के लिए, उन्नति बनाने के लिए। जैसे कि आप किसी मूवी देखने के लिए जाते हैं, इंटरवेल का समय होता है, उस समय पर आप कोई आवश्यक कार्य करते हैं, जैसे फोन इत्यादि आप किसी को करना हो तो उसी बीच में आप कर पाते हैं, किसी विशेष काम को आपको करना है तो उसी टाइम पर हम कर भी पाते हैं। तो यही एक समय है जो हम अपने कार्य को जल्दी से संपन्न करा सकते हैं। इसके बाद तो शनि जब एक बार मार्गी हो जाएंगे तो दोबारा फिर से कभी भी आपको छठे भाव के परिणाम नहीं दे पाएंगे, फिर वो लगेगा 30 साल का समय। तो अभी कैसे इसको मैनेज किया जाए, इस बात को समझिएगा। इस युक्ति को आपने समझ लिया तो 80% काम आपका ऐसे ही बन गया, 20% कार्य कैसे बनेगा उसके लिए हम अंतिम में आपको यह प्रदर्शित करेंगे। शनि सप्तम भाव में है तो आपको देखना यह है क्या आपने कोई कमिटमेंट अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए किया है, और यदि किया है तो उस काम को पहले आपको पूरा करना है। हम मांगते शनि देवता से हैं कि हे शनिदेव हमारा अमुक कार्य पूरा कर दीजिए, तो शनिदेव भी तो कर्म के कारक हैं भाई, वो भी तो हमारा काम देखेंगे और हमारा जैसा कर्म रहेगा उसी प्रकार से वो फल देते हैं, आप सबने सुना होगा। तो हमारा कमिटमेंट हमारे जीवन साथी जीवन संगिनी के लिए जो है उस कार्य को पूरा करना है। और इसके बाद सप्तम भाव ही है आपके बिजनेस का, दशम से दशम होने के कारण आपके कैरियर का स्थान भी यही है। इस हिसाब से शनिदेव दशम से दशम बैठे हुए हैं और शनि स्वयं कैरियर भाव पर इनका एक प्रभाव भी बना हुआ है, जिनके स्वामी शुक्राचार्य जी महाराज हैं। अब ये सप्तम भाव जो बिजनेस का है तो क्या बिजनेस में मुझे कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और यदि हाँ तो हमने सोचा था अपने व्यापार को कुछ चेंज करने का, कुछ प्रयत्न करने का, कुछ उसमें परिवर्तन लाने का, तो क्या हमने किया है? यदि हाँ किया है तो अच्छी बात है, आपको इसका परिणाम 100% प्राप्त होगा, और नहीं तो हमको वहां पर अभी काम करने की युक्ति है, क्योंकि देव अभी ठहरे हुए हैं और ठहरे ही नहीं बल्कि एक घर पीछे भी देख रहे हैं, उसका ही परिणाम आपको यहां पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहां अपने व्यापार, अपने कैरियर के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, किसी से बातचीत करना है, किसी को एप्लीकेशन भेजना है, किसी से कुछ भी तर्क करना होगा यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो यह एक समय है कि आप अपने उस कार्य के लिए आप संलग्न होइए, शनि देवता आपके संग खड़े हुए हैं। इसके पश्चात यही आपके मित्रों का है, तो मित्रों के लिए भी कोई कमिटमेंट आपका होगा, या मित्रों से आप सहयोग ले सकते हैं, या मित्रों को सहयोग दे सकते हैं। इससे होगा क्या, शनि जिस भाव पर है उसके परिणाम आपको मजबूती से प्रदान होंगे, जो कि सप्तम भाव आपका बिजनेस आपका कैरियर है। अब यहीं पर छठे भाव का भी परिणाम आया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर बिजनेस और कैरियर की बात हुई, नौकरी की बात नहीं हुई, तो शनिदेव अभी छठे भाव का ही परिणाम दे रहे हैं। छठा भाव है हमारे जॉब का, हमारे मेहनत का, हमारे कर्म का। तो इस समय पर जितना मुझे मेहनत करना चाहिए मेरे कैरियर के लिए, क्या मैं उतना मेहनत कर पा रहा हूं? यदि हाँ तो परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, और अगर नहीं तो हमें वहाँ पर ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है अपने नौकरी के फील्ड पर। शुरुआत का दिन याद कीजिए, आप किसी पहले नौकरी पर गए होंगे, कितना सुंदर आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया होगा, सामने वाले को आप इम्प्रेस करना चाहते थे, और इस हिसाब से आपने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ काम किया। भले वहाँ पर आपको सफलता मिली ना मिली, भले आपके उस शुभ कार्य का आपको प्रतिफल मिला ना मिला, शायद यही एक अवसर है कि पुनः फिर से आप उसको वैसे ही जैसे पहले किए थे उसी हिसाब से आप अपने कार्य क्षेत्र को पूरा कर पाते हैं। तो शनि यहां पर आपको प्रतिफल 100% मजबूती से प्रदान करेंगे। छठा भाव है अपने रोग का, क्या हम अपने कोई किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जुड़े हुए हैं? तो यदि हाँ तो उस पर मुझे क्या करना चाहिए? यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो मुझे उस पर ठीक करने के लिए क्या मैं युक्ति कर सकता हूँ? इस पर आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, शनि आपके संग है, आप सीधा ऐसा समझिएगा। छठा भाव ही है आपके शत्रुओं का, और छठा भाव ही वो स्थान हो गया जो आपके डेली के जो आपके रूटीन है उनको प्रदर्शित करता है। तो क्या आपके जो डेली के रूटीन है वो सही है, नियंत्रण
नियंत्रित हैं, एक सही वे पर आप काम कर पा रहे हैं, जितने समय मुझे खाना है सोना है क्या आप उसे नियंत्रित कर पा रहे हैं, यदि हाँ तो शनि आपका बैलेंस है, आपको करियर में ग्रोथ दिलाएगा, और नहीं तो मुझे उसको अपने डेली के जो रूटीन है उसको मुझे बैलेंस करने की आवश्यकता है, यहाँ से आपका कार्य काफ़ी मजबूती से बढ़ करके सामने आएगा। अब एक अंतिम पॉइंट निकल करके सामने आता है, वो है आपके अपनी राशि। अब यहाँ होता क्या है कि शनि के पास जब कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ ज्योतिषी का ये भी मानना होता है कि शनि वक्री अवस्था में पीछे इनकी दृष्टि चली जाती है, जैसे कि शनि की दृष्टि स्वभावतः मार्गी अवस्था में तीसरी दृष्टि मान लीजिए भाग्य भाव पर जा रही है यहाँ से, तो अब ये वक्री हो गए तो एक दो तीन पंचम भाव पर जाएगी, लेकिन एक घर ऐसा है जहाँ पर शनि वक्री हो या फिर मार्गी हो, वो स्थान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और वो है इनकी सातवीं दृष्टि। अब इस हिसाब से इस घर से आपको जुड़ना है, ये घर है आपके स्वयं का, सिंह राशि आपकी स्वयं की राशि है, सिंह राशि आपका तन है, तो यदि क्या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं, यदि हाँ तो हमारा करियर बहुत ग्रोथ करेगा, और नहीं तो हमको अपने फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए, योगा व्यायाम प्राणायाम हमको करना पड़ेगा, शनि हमारी ड्यूटी है, अर्थात उसके ड्यूटी को हमने अगर निर्वहन किया तो ये अपनी ड्यूटी को कैसे निर्वहन नहीं करेंगे, अर्थात कैरियर में ग्रोथ कैसे प्रदान नहीं करेंगे। इसी हिसाब से अपने आप पर आपको देखना है कि मेरा स्वयं का इमेज जो समाज में बना हुआ है उसके लिए मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि लगन आपका सेल्फ इमेज को भी दिखाने वाला स्थान है, और इस हिसाब से शनि को आप बैलेंस करके अपने कैरियर को बैलेंस करा सकते हैं। इसी ढाई महीने के दरमियान आपको कैरियर में सक्सेस दिलाने का वादा है शनिदेव का, और अगर नहीं भी मान लीजिए किसी कारण से होता है तो ढाई महीने के बाद जब ये 15 नवंबर से फिर से मार्गी होते हैं, इसका मतलब आपने अपने पास्ट जो कर्मा है उसको आपने कर लिया है और यहां से एक नए करियर की शुरुआत होती है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, मतलब इस समय पर हमको ये इस कार्य करने चाहिए। अब कुछ उपाय पर जाते हैं, 80% काम यहाँ हो गया, अब 20% जो कार्य बना है उस पर ध्यान दीजिए। अब जो भी हमारा शनि को जोड़ा जाता है हमारे समय से जोड़ा जाता है, हम जो घड़ी पहनते हैं जो हमारे वॉल में जो घड़ी टंगा होता है ये सब शनि के अंतर्गत आता है, तो क्या हमारे घर में कोई भी एक ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी हुई है या टूटी फूटी है, निकाल दीजिए घर से बाहर, किसी को दान दे दीजिए या उसको ठीक करा करके किसी को दान देना है, और अपने घर एक नए घड़ी लेकर के आइए। होगा क्या, एक नए घड़ी को आप घर लेके आते हैं तो आपके जीवन में भी एक नए समय की शुरुआत होती है, पुराने समय को आपने बाहर किया एक नए समय को लेकर के आया, और ये सिर्फ और सिर्फ शनि के वक्री अवस्था पर ये काम करेगा। इसके अलावा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम जूते चप्पल रखते हैं, देखिए जूते चप्पलों पर भी शनि का आधिपत्य ही माना गया है, तो उसको साफ सफाई से युक्त रखिए, नहीं है अधिक हो गए हैं घर पर तो उसका कूड़ा बना के नहीं रखना है, जिसको दान देना है दान दे दीजिए या घर से बाहर निकालिए, अर्थात वहां पर भी हमने शनि को बैलेंस किया। अब इस हिसाब से हम शनि को जितना नियंत्रित कर पाते हैं उतना हमारा कैरियर आगे बढ़ता है। जो आपके घर का पश्चिम दीवार है वो भी शनि का स्थान है, कोशिश कीजिए कुछ टाइम के लिए वो दीवार, यदि मान लीजिए कोई रूम में आता है लाइट जल रहा है तो वहां पर कुछ समय के लिए अंधेरा रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रात्रि के समय तो वैसे भी वहां उस स्थान पर लाइट नहीं जलना चाहिए, क्योंकि शनि का स्थान अंधेरा मांगता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा सुंदरकांड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसका कारण यह है हनुमान जी के द्वारा इनको वरदान प्राप्त है, और इन्होंने शनिदेव ने हनुमान जी को कहा भी है कि हे हनुमान जी महाराज, जो आपकी पूजा करता है जो आपकी आराधना करता है उस पर शनि का दोष नहीं पड़ेगा, और इस हिसाब से हनुमान चालीसा पर आप काम कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि भगवान शिव के ही तो अवतार हैं हनुमान जी महाराज, एकादश अवतार, और शनिदेव के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ, तो इस कारण से अपने गुरु की अवहेलना यह नहीं कर सकते, हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि संतुलित होता है, और इस प्रकार से आप अपने कैरियर को एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है, यदि आपने इसे समझा है जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय शनिदेव।